नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैगनार का, जो कि वैगनार सीएनजी है, इसका ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। ये वैगनार सीएनजी है 1 लीटर की, और इसका एसी अभी ऑन है, तो इसको अभी हम चला के देखते हैं कि ये किस तरीके से चलती है और इसका ड्राइव इंप्रेशन क्या है। तो इसका जब एसी ऑन है और इसको हम पिकअप करते हैं, तो गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है और गाड़ी के पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये 1 लीटर का इंजन है, जो मारुति का K10 सीरीज का इंजन आता है। K10 सीरीज के इंजन में ये गाड़ी वैसे पेट्रोल में तो 68 bhp की ताकत देती है, बट सीएनजी में ये 58 bhp की ताकत देती है। इस गाड़ी में बैठ के जब हम इसमें ड्राइव करते हैं, तो इसकी सीटिंग की हाइट तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ना तो सीटिंग की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही कुछ इसमें हम स्टेयरिंग वगैरह को टिल्ट या टेलीस्कोपिक ऐसा कुछ हमें इसमें फीचर मिलता है। बट इसको जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हम एक कोई मिनी एसयूवी चला गए हों। और इसमें हेडरेस्ट तो बहुत अच्छा ही मिलता है इसकी हाइट की वजह से। और इस गाड़ी का व्यूज के बारे में तो आप देख ही सकते हो कि गाड़ी में व्यू की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गाड़ी के चारों तरफ आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। ये दूसरे से तीसरे गियर में, मतलब तीसरे गियर तक तो ये बहुत अच्छी फील होती है। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कहीं पे भी पावर की कोई प्रॉब्लम आप कोई फेस करोगे, और आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप इसको सीएनजी में चला गए हो या पेट्रोल में चला गए हो। इसका सस्पेंशन वगैरह भी काफी ठीक है। वैसे तो मारुति को एक फैमिली कार के बारे में कहा जाता है कि मारुति एक फैमिली कार है, और ये पहली वाली वैगनार से तो काफी अच्छी स्पेशियस और काफी बड़ी बना दी है। पहली वाली वैगनार में जो थोड़ा सा वो क्रिम्पी क्रिम्पी सा फील होता था, वो अब इस वाली वैगनार में नहीं होता, क्योंकि इसको काफी बड़ा और काफी अंदर से स्पेशियस, बहुत अच्छा स्पेशियस कर दिया है। अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड इसका डुअल टोन में दिया हुआ है, जो कि लुक में काफी अच्छी फील देता है। और इसका जो डैशबोर्ड का आगे से है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप कई बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के आपको पूरा बोनेट वगैरह आपको दिख जाता है, जिससे कि आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाने में गाड़ी काफ़ी इजी फील होती है। वैसे तो इस गाड़ी को सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा माना जाता है। अगर हम इस गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करें तो मैं बिल्कुल लाइट लाइट ब्रेक लूँ तो बहुत अच्छी, गाड़ी की ब्रेकिंग में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। एक बार हम जरा थोड़ा सा खाली स्पेस देख के इसका 0 to 100 करके देखते हैं कि ये गाड़ी 0 to 100 में कितनी जल्दी जाती है। इसको हम 0 to 100 करके देखते हैं कि 0 to 100 में गाड़ी कितनी जल्दी जाती है। 40, 60 चलो यार एक बार दोबारा इसका ट्राई करते हैं 0 to 100 का। एक बार थोड़ा सा खाली स्पेस देखते हैं, कहीं पे अगर थोड़ा सा खाली स्पेस दिखता है, खाली रोड, तो ही इसका 0 to 100 करके देखते हैं, क्योंकि इस रोड पे तो अभी हो नहीं पाएगा। बाकी इस गाड़ी की बात करूँ तो ड्राइविंग में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हाँ पहले वाली वैगनार जो 80-90 की स्पीड से ऊपर जाके थोड़ी सी हिलती थी या उसमें बॉडी रोल की प्रॉब्लम जो फील होती थी, वो वाला प्रॉब्लम तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 80-90 पे नहीं, 100 से ऊपर अबव जाने पे आपको थोड़ा सा बॉडी रोल फील होगा। और इस गाड़ी को अगर आप हाई स्पीड में टर्न लेते हैं तो फिर आपको बॉडी रोल काफ़ी फील होगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि इस गाड़ी में आप हाई स्पीड में अगर आप कोई टर्न लेते हैं तो। वैसे
वैसे गाड़ी के जो इस वाली नई गाड़ी के शॉकर वगैरह हैं वो भी काफी अच्छे बनाए हुए हैं अब की बार। और कंपनी फिटेड सीएनजी लेने का एक सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि गाड़ी के जो शॉकर वगैरह होते हैं वो प्रॉपर कंपनी से ही डिजाइन होते हैं सीएनजी गाड़ी के हिसाब से। अगर आप बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो फिर आपको शॉकर वगैरह में वो रबड़ के गुटके वगैरह लगाने पड़ते हैं जिससे आपको ज्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। अगर इस गाड़ी के गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो गियर भी इसके काफी अच्छे, काफी नॉर्मल है, ऐसा कोई ज्यादा फील नहीं होगा। क्लिच भी इसकी लाइट ही है। एसी की कूलिंग, अगर इस गाड़ी की एसी की कूलिंग की बात करें तो गाड़ी की एसी की कूलिंग अगर आप ज्यादा गर्मी में, जैसे अभी हम जून में इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो जून में तो थोड़ा सा कम ही इफेक्टिव है, लेकिन एसी ठीक है, ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील देगा, लेकिन ठीक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे और ज्यादा बेकार भी नहीं है इसका एसी, लेकिन ठीक है। अभी हम इस रोड पे एक बार चला के कोशिश करते हैं 0-100 करने की। अब हम गाड़ी को एक बार 0-100 करते हैं। अभी गाड़ी पहले गियर में है, 40 पहले गियर में 40 पे बड़े इजीली चली गई। दूसरे गियर में है गाड़ी 60, 70, 80 और गाड़ी तीसरे गियर में 90 को अबाउट टच कर चुकी है और तीसरे गियर में ये 100 की स्पीड को, तो 100 की स्पीड से तो गाड़ी में अंदर बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि 100 की स्पीड के बाद तो गाड़ी के अंदर इंजन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, जबकि हमने कोई अभी हार्ड हेवी किया था इसको तीसरे गियर में। अगर इसको चौथे या पांचवे गियर में कहेंगे तो शायद थोड़ी सी आवाज़ कम आए, लेकिन 100 की स्पीड में इन गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अगर गाड़ी को हम नॉर्मल, जैसे अब हम फिफ्थ गियर में 60-70 की स्पीड पर चलाएँ तो गाड़ी के अंदर इतनी आवाज़ नहीं आती जितनी 100 की स्पीड पर, और अगर हम इसको हार्ड हेवी करते हैं तो इतनी ज्यादा आवाज आती है। अगर हम इस गाड़ी को थोड़ा सा तेज स्पीड में रोटेट करते हैं, मतलब कि अगर टर्न लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको बॉडी रोल तो ज्यादा जरूर ही इसके अंदर फील होगा। आपको एक कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा कि आप इसको टर्न इजीली कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी का वेट और पावर रेशो के हिसाब से इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी फील नहीं होगा अगर आप गाड़ी को 40-50 की स्पीड में एक टर्न ले गए तो। वैसे भी मारुति इसको एक फैमिली कार के नाम से इसको ज़्यादा प्रेफर करती है, तो फैमिली के पर्पज से तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर इस गाड़ी को लेके आप थोड़ा सा रफ ड्राइविंग करने की कोशिश करें तो आई थिंक ये गाड़ी आपके पर्पज से नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के पर्पज से इस गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 में चल रही है, 50-60 की स्पीड के बीच चल रही है और गाड़ी की स्टेबिलिटी और गाड़ी का कंट्रोल काफी अच्छा है और गाड़ी की ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है। ये गाड़ी की मारुति की LXI मॉडल है जिसमें CNG आती है। मारुति में केवल वैगनार में केवल एक ही मॉडल में CNG आती है और किसी मॉडल में नहीं देती। अगर आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है तो आप 1.2 का इंजन भी ले सकते हैं। 1.2 मारुति VXI और ZXI में ऑप्शन देती है। अगर आपको 1 लीटर और CNG में चाहिए तो आपको LXI मॉडल ही मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। थैंक यू।